मुंबई के गोवंडे स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी अस्पताल के इमारत का रिपेयरिंग व नूतनीकरण करने हेतु बीजेपी अनुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश बबलू पांचाल व नगर सेविका अनीता दिनेश पांचाल के नेतृत्व में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों के साथ साथ शताब्दी अस्पताल के डॉक्टर व महानगर पालिका के अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि भूमि पूजन श्रीफल तोड़कर किया गया। डेवलपमेंट करना जरूरी था। हॉस्पिटल के बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो हॉस्पिटल में ड्रेनेज के प्रॉब्लम थे, ऑपरेशन थिएटर बंद है, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर में टाइल्स लगाना हो, सीवरेज लाइन का काम हो, बच्चों लोग का जो वार्ड है उसमें भी टाइलिंग का, बच्चों लोग के लिए बेड खाट ये सब जरूरी था। उसके लिए हॉस्पिटल का काम अनिता पांचाल नगर सेवक ने फॉलोअप लेके और हॉस्पिटल के साथ में मिलकर जो आज ये फाइल पास हुई है, कम से कम 8 करोड़ का काम हमने यहाँ पे पास किया है। ये बहुत बड़ा काम है और ये आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों के लिए सुविधा के लिए ये काम, विकास का काम, ये हॉस्पिटल में जो जो चीज़ें कमतरता है वो काम पूरा होगा, अच्छा होगा। ये हॉस्पिटल में जितने भी खिड़कियाँ हो, वाटर प्रूफिंग हो, पूरा लीकेज है वो वाटर प्रूफिंग का भी काम होने वाला है, वार्ड वाइड टॉयलेट हो पूरा टॉयलेट का रिपेयरिंग है, ऑपरेशन थिएटर का रिपेयरिंग है, वार्ड वाइड सब टाइल्स लगने वाला है, जो जो काम है बच्चों लोग का खिलौना है, गार्डन है, सब अच्छी तरह बनना है। सुपर सिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए कि इधर स्लम ज़्यादा है, स्लम ज़्यादा होने के वजह से इधर गरीब समाज भी है, गरीब लोग भी ज़्यादा है जो प्राइवेट में जा नहीं सकते, तो मुंबई महानगर पालिका ये हॉस्पिटल BMC हॉस्पिटल ये होना ज़रूरी है, अच्छा दर्जे का हॉस्पिटल, ये हमें मांग है हमारी। या और भी बाजू में नया हॉस्पिटल बन रहा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका अनिता पांचाल मुंबई महानगर पालिका ये मिलकर बना रही है, और ये भी इसमें जो रिपेयरिंग का काम होगा वो अच्छी तरह से होगा, जो भी भ्रष्ट कारोबार करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। नहीं बराबर है कि अभी इतना साल हो गए, बड़े बड़े नेते आते हैं, आश्वासन देते हैं, देखो इधर शताब्दी हॉस्पिटल ऐसा है, इधर गौर गरीब के लिए वो हॉस्पिटल है, लेकिन अभी देखिए कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे एक ही ऐसे नेते है बबलू भाई, कौन सा भी काम रहे थे किधर भी, वो पहले आते हैं और जो भी है समस्या उनके पहला निवारण करते हैं। अभी इतने साल हुए बहुत आश्वासन दे, बहुत देने वाले आते हैं लेकिन कोई आता नहीं। आज जो इन्होंने जो काम किया है वो बहुत गौरव लिए अच्छा है और उनके लिए सबके लिए उनके आशीर्वाद है। आज आपल्या या विधानसभेमध्ये आपल्या विधानसभेचे अध्यक्ष बबलू पांचाळ साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आपल्या नगरसेविका 144 अनिताताई पांचाळ यांच्या प्रयत्नाने आपण आज या गोवंडीमध्ये अतिशय याची खूप आवश्यकता होती गोवंडीमध्ये, कारण हे एकमेव आपल्या सम एरियामध्ये शिवाजीनगर गोवंडी मानखूर वाशीनाकासाठी एकमेव हॉस्पिटल आहे जी रुग्णांची सेवा करते, आणि त्यासाठी ह्या हॉस्पिटलमध्ये अतिशय म्हणजे काम होणं खूप महत्त्वाचं होतं, गरजेचं होतं। इकडे पुष्कळ म्हणजे अतिशय काम आहे तिकडे, टाईल्स वगैरे, परत पेशंट लोकांची गैरसोय होते, मग त्यासाठी आता ह्याचाच एक मुद्दा म्हणून अनिताताई पांचाळ यांनी हा विषय मांडला आणि ह्या विषय मांडून ह्या विषयाचं आज काम सुरू होत आहे। तर मी खूप धन्यवाद देतो नगरसेविका अनिता वहिनी यांना की त्यांनी हे काम सुरू केल्याबद्दल खूप धन्यवाद। शताब्दी हॉस्पिटल का जो भूमिपूजन व आजचा जो प्रोग्राम आहे, आज के ये जरूरत है क्योंकि ये हॉस्पिटल ये एकमेव हॉस्पिटल है जो शताब्दी, ये जो हमारे 6 वार्ड जो स्लम एरिया है, मतलब शिवाजीनगर, बैंगनवाड़ी, मानकू, चिता कैम्प, ये आके सब वाशी नाका, ये जहाँ भी ये पांजरा पोल, सब झोपड़पट्टी के जो पब्लिक है वो ज़्यादातर यहाँ आती है और उनको जो सुविधा चाहिए वो हिसाब से यहाँ तो डॉक्टर की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा ये थोड़ा प्रशासन का भी अभाव है काम में, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जो हिसाब से कोरोना काल में जो काम कर रहे डॉक्टर और कोरोना के हिसाब से जो काम हुआ है वो ये बहुत अच्छा हुआ है। और डॉक्टरों को जो पाकड़े सर है, माने मैडम है, जो डीन है और उनका जो स्टाफ है पूरा, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबा मैं इस वार्ड का अध्यक्ष हूँ, वो हिसाब से मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफें आती है या ये का दिक्कतें आती है हर टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन डॉक्टरों को बोल के या प्रशासन को बोल के कुछ ये नहीं, इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि अपन सबने सोचना मांगता है कि थोड़ा बहुत
प्रशासन को अपन भी सहकार्य करके जो झोपड़पट्टी के लोग हैं जो जो यहाँ आते हैं उनको उन्होंने ज़्यादा लाभ लिया है इसका। और यह हॉस्पिटल जो है यह अपना सायन से पहला यहाँ आता है, जो भी पेशेंट आता है वासी हो या मानकुर हो, जहाँ भी हाईवे का कोई भी एक्सीडेंट हो गया कि पहला यहाँ आता है, यहाँ से फिर सायन ज़्यादा जाता है। यहाँ थोड़ा सा सुविधा का अभाव है, लेकिन सुविधा बननी चाहिए, होएगी ये मुझे मालूम है, ये तो जो होएगा ये आगे चल के। अभी नया जो काम चल रहा है हॉस्पिटल का, इस हिसाब से एक दो साल में हॉस्पिटल अच्छी तरह से बनेगा और अच्छा बनेगा। और लोगों को मुझे यही बोलना है कि बाबा ये जो महानगर पालिका और जो ट्रीटमेंट दे रही है, जो हिसाब से सेवा कर रही है, वो हिसाब से आप उसका सेवा का लाभ लीजिए। अपने नगर सेविका अनिता दिनेश पांचाळ ताई त्यांच्या मार्फत खरोखरच म्हणजे शताब्दीमध्ये खूपच चांगली कामं होतात, महिलांसाठी सुविधा वगैरे सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं जातं। आता रस्त्याचं कामही आपलं बाहेरचं रोडचं झालेलं आहे आणि या शताब्दीमध्ये बरेचसे म्हणजे गैरसोय होतं ते आता ताईंनी आता जे कामाला जी सुरुवात केली आहे त्यांना यश लागो, धन्यवाद। हमारी नगर सेविका अनिता बबलू पांचाळ जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे वार्ड अध्यक्ष जगजीवन पाटिल है इन्होंने भी अच्छा काम किया है। आज इस कोरोना काल में एक देवता भर के उभर आए डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, इन्होंने जो काम किया है जो आम जनता नहीं कर पाई वो काम इन्होंने किया है। मैं अनिता पांचाळ जी को बधाई देता हूँ, बबलू पांचाळ को बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने ये काम हॉस्पिटल के लिए किया है, इनको सुविधा दी है, इनके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है, धन्यवाद। CEN News मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।